अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के आल पे क्लिक कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो गाइज, कैसे हो सभी के सभी। मैं गिरिराज मंगेना आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के आर टेक में एक नए वीडियो के लिए। तो आज हम बात करेंगे को हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। तो अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हो और SMS हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानते हो तो आज उसी के बारे में चर्चा होगी पूरा वीडियो। तो वीडियो पे अगर आप पहले बार नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने चैनल को ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स एंड इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में बताता रहता हूँ जो आपकी लाइफ को और अच्छा कर सके ताकि आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना ऐप होगा SMS के ऊपर। तो अगर आप SMS में कभी भी इलाज कराने जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हुई मिलती है। तो उन लाइनों से छुटकारा पाने के लिए आपको मैं इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपको वहाँ पर लाइन लग के और जो स्लिप कटती है वहाँ पर पर्चियाँ कटती है, उस पर्चियों से आप बच सकते हो। डायरेक्ट जाकर केवल आपको वहाँ पर स्लिप मिल जाएगी। उस ऐप का नाम है SMS हॉस्पिटल और इस नाम से ऐप है। इसको क्या कर देना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है तो इसको मैं डायरेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ। इसका फ्रंट पेज इस प्रकार से होगा। यहाँ पर दे रखा है कि चिकित्सक का OPD की जानकारी, आज का OPD, जांच रिपोर्ट प्राप्त करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, चिकित्सा के बारे में और संपर्क सूत्र। तो आपको इसमें फर्स्ट टाइम पे लैंग्वेज भी चूज करने के लिए कहेगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में ये एप्लीकेशन चलाना चाहते हो वो उस लैंग्वेज को चूज कर लेना। तो यहाँ पर आप OPD की या चिकित्सक की जानकारी ले सकते हो, आज की OPD देख सकते हो, आप यहाँ पर जाँच की रिपोर्ट ले सकते हो। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे स्वीकार करें और एग्री पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अगर आपके पास CRN नंबर रजिस्टर्ड है तो उससे, यहाँ पर नहीं है तो उसको क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से इसका यह इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप दिनांक चूज कर लीजिए कौन सी दिनांक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज 30 तारीख या 29 तारीख को मैं अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। और कौन सा डिपार्टमेंट है तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं नाक कान गले का, और इसमें मरीज का नाम, मरीज का अपना और उसके पिताजी का पुरुष, इसमें मरीज की उम्र सेलेक्ट कर देंगे, वो कौन से धर्म से रिलीजन से उसको सेलेक्ट कर देंगे, मरीज का पूर्ण पता, तहसील ये देश इंडिया, राज्य राजस्थान, जिला डिस्ट्रिक्ट उसका जयपुर है या फिर कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से, तहसील उसकी कौन सी लग रही है, और यहाँ पर मकान नंबर, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पर क्या है बुक अपॉइंटमेंट कर देंगे। बुक अपॉइंटमेंट करते हैं या उनका बुक अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इस पर बता देगा कि 9 नंबर की खिड़की पे या फिर कौन से नंबर की खिड़की पे आपको वो जाके स्लिप डायरेक्ट लेनी है। तो इस प्रकार से आप ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और आपको वहाँ पर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही आप वहाँ से स्लिप लेके और डॉक्टर को दिखा सकते हो ताकि आपका टाइम बच सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना अपने दोस्तों की, ताकि और को भी ये इंफॉर्मेशन का पता चल सके। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।